हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 हमारा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग इस चैप्टर की मीनिंग देखेंगे लाइन बाय लाइन। एवरीडे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। आप प्रत्येक दिन अपने चारों तरफ कुछ न कुछ परिवर्तन देखते होंगे। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन आर मोर सब्सटेंस। ये परिवर्तन जो है एक या एक से अधिक सब्सटेंस में, पदार्थों में होता है। एग्जांपल के लिए, योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर इनटू वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। आपकी मम्मी कहती हैं कि आप पानी में शुगर को मिक्स करके क्या बना के लाइए, कोल्ड ड्रिंक बना के लाइए। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। तो उस शक्कर का विलयन बनाना भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। बिल्कुल उसी तरह सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। दूध से दही बनना भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। सम टाइम मिल्क बिकम सावर। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। सावरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। तो दूध का खट्टा होना भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। रबर बैंड को स्ट्रेच करना, खींचना भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। आपको 10 परिवर्तन की लिस्ट बनानी है जो कि आपको अपने चारों तरफ दिखाई देते हों। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड स्टडी द नेचर ऑफ दी चेंजेस। इस चैप्टर में हम लोग कुछ एक्टिविटी करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। ब्रॉडली दी चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन को जानने से पहले हम लोग कुछ एक्टिविटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 6.1। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और इसको 4 इक्वल पार्ट में स्क्वायर साइज में कट कर लेना है। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। उसके बाद इन चारों स्क्वायर पीस को 4 पार्ट में आपको क्या करना है, कट कर लेना है। ले दीज पीस ऑन द फ्लोर और टेबल सो डैट द पीसेज एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे कि ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का जो ओरिजिनल शेप था उस तरह के हो जाएं। ओबियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर पहले के जैसा नहीं बना सकते, लेकिन क्या पेपर की क्वालिटी में कोई चेंजिंग हुई, जो पेपर का गुण, जो पेपर आप लिए हैं आप उसको जोड़ के बिल्कुल पहले जैसा तो नहीं बना सकते, लेकिन इसका जो क्वालिटी होती है, इसका जो गुण होता है, जैसे आप मान लीजिए अपने कॉपी का पेज लिए हैं ना, तो आप उस पर लिखते हैं, अगर आप इसको फाड़ दिए तो क्या आप इस पर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। वो कॉपी का पेज आपका जल सकता है, तो क्या आप ये जो फटा हुआ पेपर लिए ये नहीं जल सकता, ये भी जल सकता है। तो आपने पहले जैसा बिल्कुल ओरिजिनल पेपर नहीं बनाया, लेकिन इस पेपर के क्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 6.2। इन सभी का कंक्लूजन एक साथ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 6.2 क्या है, कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। अपनी कक्षा में चॉक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित करना है और चॉक के एक छोटे के टुकड़े का चूर्ण बना सकते हैं। अगर आपके क्लासरूम के पास चॉक अवेलेबल नहीं है, आजकल लोग मार्कर यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोई चॉक लेके उसको क्या कर सकते हैं, क्रश करके उसका पाउडर बना सकते हैं, ठीक है। एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। उस चूर्ण में आप थोड़ा पानी मिला लेंगे और इसको चौक का आकार देने की कोशिश करेंगे। लेट इट ड्राई, उसके बाद उसको सूखने देंगे। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट। क्या आप चौक के चूर से फिर चौक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 6.3 क्या है। टेक
सम आइस इन अ ग्लास आर प्लास्टिक टम्बलर, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी बर्फ ले लीजिए। मेल्ट स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन सन, बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। यू हैव नाउ अ मिक्सर ऑफ आइस एंड वाटर, अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर, अब आप क्या करेंगे, कटोरे को किसी भी मतलब मीन्स फ्रीजर में रख दीजिए, ठीक है। डज द वाटर बिकम्स सॉलिड आइस वंस अगेन, क्या वाटर जो है वो फिर से सॉलिड आइस में बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा? जब आप वाटर को फ्रीजर में रखते हो तो वो फिर से क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी वो क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो ही जाएगा फ्रीजर में रखने पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 6.4। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके उबालिए। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आपको पानी की सतह से भाप निकलता हुआ दिखाई देगा? होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉयलिंग वाटर, उबलते हुए जल के कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, क्या आपको वहाँ पे पानी की कुछ बूंदें दिखाई देंगी? बिल्कुल दिखाई देंगी। जो वेपर होगा जब वो ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे कूल होगा, और कूल होके वेपर किस में बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा। किस प्रोसेस के द्वारा बदल जाएगा, कंडेंसेशन के द्वारा बदल जाएगा। तो आपको उस बर्तन पे क्या दिखाई देने लगेंगी, जल की बूंदें दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 6.5। होल्ड अ यूज ऑफ हैक्स ऑफ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, उपयोग किए जा चुके लोहे की आरे के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर ए फ्यू मिनट, ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्रभाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए और कुछ मिनट वेट करिए। डज द कलर ऑफ टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? तो आपको पता होगा कि जब आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा गर्म करते हो तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, अब आप ब्लेड को फ्लेम से हटा लोगे। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, आप इसको एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या ब्लेड जो है वो ठंडा होने के बाद अपने पहले वाले कलर में, ओरिजिनल कलर में वापस आ जाता है? तो अब हम देखते हैं इन सभी एक्टिविटी का कंक्लूजन। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 एबव यू सॉ दैट पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंज इन साइज। एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज़ तथा चॉक के साइज में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जब आप कागज़ को फाड़ के फिर से जोड़ते हो तो उसकी साइज़ में कुछ डिफरेंस आएगा। जब आप चॉक से लिख के ना या उसके छोटे छोटे टुकड़ों को कन्वर्ट करते हो फिर से वाटर मिला के चॉक में, तो भी उसकी साइज़ में क्या आता है, कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है। इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम गैस टू लिक्विड, और 6.3 और 6.4 में आप देखते हो कि वाटर क्या कर रहा है, अपने स्टेट में, अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है। एक में वो पहले सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, फिर लिक्विड से सॉलिड में, और दूसरे से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से लिक्विड में, ठीक है। इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्स ऑफ ब्लेड कलर चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग, और 6.5 में आपने देखा कि हैक्स ऑफ ब्लेड का क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस पांचों में आपको अलग अलग, दो में साइज की चेंजिंग दिखाई दी, दो में स्टेट की चेंजिंग दिखाई दी, और एक में कलर की चेंजिंग दिखाई दी। तो इनसे क्या कंक्लूजन निकलेगा, प्रॉपर्टी सच एज शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, पदार्थ का आकार साइज रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। भौतिक गुण क्या क्या होते हैं पदार्थ के, उसका आकार, उसकी आकृति, साइज, उसका रंग और उसकी अवस्था, ये सभी क्या हैं, भौतिक गुण हैं किसी भी पदार्थ के। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, क्लियर। क्या कह रहा है, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, वह परिवर्तन
जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण का मतलब किसी पदार्थ का आकार बदले, किसी पदार्थ की आकृति बदले, किसी पदार्थ का रंग बदले या किसी पदार्थ की अवस्था स्टेट बदले। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज सामान्यतः कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। रिवर्सिबल का क्या मतलब, कि हम जिस भी सब्सटेंस को लेके रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं वो सब्सटेंस फिर से हमें वापस मिल जाए ना। जैसे हम एक बैलून लेते हैं, उसको फुलाते हैं तो उसका शेप बदल गया, उसकी साइज बदल गई ना, उसका वेट भी बदल जाएगा। लेकिन जब हम इससे एयर को निकाल देंगे तो फिर से हमें ये बैलून क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल। ठीक है, जैसे आइस को हमने मेल्ट किया वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वाटर को फिर से फ्रीज कर देंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो हमने जिसको लेके अपनी एक्टिविटी को, अपने रिएक्शन को स्टार्ट किया, वो सब्सटेंस हमें बाद में फिर से वापस मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे शेप, साइज, कलर या स्टेट में चेंजिंग होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज में किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर।